नमस्कार। वर्तमान में देश में जो हालात हैं युद्ध के, उससे संपूर्ण देश में युद्ध की मनस्थितियाँ बनती जा रही हैं और यह आवश्यक भी है किसी भी देश की संप्रभुता की रक्षा के लिए। लेकिन ऐसे वक्त में हमें युद्ध के परिणामों और युद्ध से उपजी परिस्थितियों को भी ध्यान में रखना होगा। ऐसे वक्त में नंद चतुर्वेदी की कविता युद्ध एक मनस्थिति ध्यान में रखने योग्य है। फिर एक घृणा का अंधा सर्प उन्मत्त हो गया है, अब हमें फिर चंदन की घाटियों में बारूद बिछानी पड़ रही है। हम इस संताप को कभी नहीं भूलेंगे। लोगों को आकाश की तरफ देखने में बहुत दिन लगेंगे, वे बहुत दिन तक न तो पुल बनाएंगे और न पार करेंगे, खाइयां हो जाएंगी। बहुत दिनों बाद लगेगा कि कोई मौसम बदल गया है, झील फिर से नीली हो गई है, हर सिंगार फिर से झर रहा है। शहर मौसमी उदासी में नहीं, मौत के तहखाने में उतर गए हैं। रेस्तरा में वे धुने नहीं बजती, न वे कह कहे लगते हैं। दिन भर लोग कयास करते हैं, मृत्यु और ध्वंस के आंकड़े उन्हें याद हैं। युद्ध में कोई हारता नहीं, किंतु बाद में, बहुत बाद में, आदमी एक केचुए की तरह लगने लगता है। टूटे हुए पुलों पर शहर खड़े खड़े प्रतीक्षा करते हैं, एक अंधे आस्थाहीन भविष्य की। धन्यवाद।